press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद। काबुल हुकूमत की जानिब से खवातीन को काम छोड़कर घरों में रहने का कहा जा रहा है। कंट्रोल संभालने के एक माह बाद ही दावे धरे के धरे रह गए। इस वक्त अफगानिस्तान के कई इलाकों से बच्चियों को स्कूल जाने से रोकने और खवातीन को घरों तक महदूद रखने की खबरें सामने आ रही हैं। और तालिबान के लिए मुश्किलात होंगे अगर वो खवातीन के साथ यही उनका रवैया रहा मुस्तकबिल में भी। अमेरिकन सेनेटर्स ने कह दिया है कि अगर ये ठीक नहीं होंगे हम विद इन 2 ईयर्स। तो नाज़रीन, तालिबान ने कंट्रोल संभालते ही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि वो खवातीन के हकूक का एहतराम करेंगे, उनको तालीम हासिल करने की इजाज़त, काम करने की इजाज़त देंगे और वो अफगानिस्तान के मुआशरे का एक अहम हिस्सा समझी जाएंगी। तालिबान ने दुनिया को ये तासुर दिया कि वो अब पहले जैसे नहीं रहे, बदल चुके हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम पर जाएंगी और काम करेंगी। कंट्रोल संभालने के एक माह बाद ही दावे धरे के धरे रह गए। तालिबान ने हुकूमत की दौर संभालने के बाद ही खवातीन पर पाबंदियाँ लगाना शुरू की। इस वक्त अफगानिस्तान के कई इलाकों से बच्चियों को स्कूल जाने से रोकने और खवातीन को घरों तक महदूद रखने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर काबुल में कई अफगान खवातीन सरापे एहतजाज हैं। बैरून अक्वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक काबुल हुकूमत की जानिब से खवातीन को काम छोड़कर घरों में रहने का कहा जा रहा है। काबुल के मेयर हमदुल्ला नुमानी ने ऐलान किया कि वो खवातीन जिनका काम कोई मर्द नहीं कर सकता उनको काम करने की इजाज़त होगी। जैसे खवातीन के पब्लिक टॉयलेट वगैरह साफ़ करना, ये काम मर्द नहीं कर सकते और ये काम मर्दों के है भी नहीं। उन्होंने कहा कि हमने खवातीन को शुरू में दफातर में काम करने दिया लेकिन अब ये ज़रूरी है कि वो कुछ टाइम काम करना छोड़ दें, घरों में रहें जब तक काम करने के लिए हालात मुनासिब नहीं हो जाते। सवाल ये है कि अचानक से हालात गैर मुनासिब कैसे हो गए? जब भी खवातीन के मामले पर तालिबान से राबता किया जाए तो वो कहते हैं कि वो खवातीन को हकूक देने पर यकीन रखते हैं और चाहते हैं कि वो पढ़ें और काम करें। इस बार पहले की तरह नहीं होगा मगर उनके अमल और उनके बयान में एक तजाद पाया जाता है। तालिबान की जानिब से पाबंदियों के बाद गुज़िश्ता रोज़ अफगान खवातीन और समाजी कारकुनान ने साबिक वज़ारत खवातीन के उमूर की इमारत के बाहर एक एहतजाज किया जिसको तालिबान ने तब्दील करके एक दूसरी वजारत की इमारत बनाया है। तख्तियाँ भी तब्दील की हैं। तालिबान की ऐलान करदा पाबंदियों के बाद अफगान खवातीन और खवातीन के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से भी एक शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है और उनकी जानिब से अक़वामे मुत्तहिदा और आलमी बरदरी से गुजारिश की जा रही है कि वो तालिबान पर फैसले वापस लेने के दबाव डालें क्योंकि खवातीन पर ये हक है कि वो तालीम भी हासिल करें और वो काम भी करें। बात जो आपने सूरत हाल देखी वहाँ पर, क्या वो ऐसी ही थी जो बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो वहाँ पर एहतजाज हो रहा है, इस तरह खवातीन की वजारत को तब्दील किया गया, खवातीन को ज़ाहिर नहीं फ़िलहाल तो नहीं नज़र आती खवातीन उबूरी काबीना में और तालीम हासिल करने से भी खवातीन को रोका जा रहा है? मेरी नज़र में रोकने वाली बात तो शायद ना हो लेकिन अभी तक उनको इजाज़त नहीं दी गई कि वो उनके तालीमी इदारे भी नहीं खोले, लड़कों के तालीमी इदारे खुल गए हैं और जहाँ एक तो खवातीन वाले तालीमी इदारे नहीं खुले लड़कियों वाले, दूसरी बात कि तालिबान का मौक़िफ है कि हम एक निज़ाम बना रहे हैं कि ख़वातीन का क्या हो। जब उनकी जो आला तालीम के वज़ीर है उन्होंने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस वक्त मैं काबुल में था तो उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ का ज़िक्र किया था कि एक क्लास के अंदर सेपरेट हो जाएगा एक क्लास में ख़वातीन और मर्द या मुख्तलिफ दीगर बिल्डिंग होगी, इमारत होगी, ये भी एक है। और तीसरे एक ही क्लासेस ख्वातीन की अगर सुबह हो तो दोपहर में फिर मर्दों का हो। अभी तक ये वाली पॉलिसी वो नहीं की है, उन्होंने तजावीज़ दी है। दूसरी है कि जो जिस शोबे में मासिवाए सेहत के उसके अलावा किसी भी खातून को अभी तक काम पे नहीं आने दिया गया है, उनसे कहा गया है कि आप लोग घरों में बैठें और बाद में जब फैसला होगा आपके हवाले से तनख्वाह आपको मिलेंगी। तो इस वक्त तालिबान की पॉलिसी कोई वाजह नहीं है खवातीन के हवाले से, लेकिन तशवीश बढ़ रही है और तालिबान के लिए मुश्किलात होंगे अगर वो खवातीन के साथ यही उनका रवैया रहा मुस्तकबिल में भी। तो फिर मेरे ख्याल में वो जो बैनुल अक़वामी बरदरी से उनकी तवक्को है
कि उनको तस्लीम किया जाए, फिर इमदाद का मसला है, उनमें मुश्किलात फिर आ सकती है। लेकिन तालिबान इस वक्त तक ख्वातीन ने ना तो तालीम इदारे खोले हैं और ना उनको काम पर आने की इजाज़त दी है। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना कि जब बैनुल अक़वामी बरादरी ये कहती है कि हम जब तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे एक मशरूत तौर पर कि जब तक कि वो ख़वातीन को मसावी हकूक़ ना दिए जाएँ और एक प्रॉपर तमाम स्टेक होल्डर्स को शामिल करके हुकूमत ना बनाई जाए और अम कायम ना किया जाए, अगर ये शराइत तालिबान पूरी नहीं करते तो ज़ाहिर दबाव भी उन पर आएगा, फिर तालिबान क्या करेंगे आपको लगता है? मैंने जो वहाँ महसूस किया है कि तालिबान इस वक्त दुनिया के मुतालबात को अहमियत नहीं दे रहे। अच्छा, आपको याद होगा कि मार्च में जब मॉस्को में चार ममालिक जिसमें पाकिस्तान, अमेरिका, चीन और रूस का हुआ था, उन्होंने इस्लामी इमारत की मुखालिफत की थी और गुज़िश्ता साल एक करारदाद है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कि वो इस्लामी इमारत की बहाली का हिमायत नहीं करते। तालिबान ने उसको नहीं माना, तालिबान ने इस्लामी इमारत का भी ऐलान किया, तालिबान ने अपने अमीर को अमीरुल मोमिनीन का खिताब भी दे दिया है। तो इस वक्त तक तो आपकी बात यह दुरुस्त है कि तालिबान अगर दुनिया के साथ आपने चलना है तो कुछ चीज़ों को आपने मानना है, उसके बगैर आप दुनिया के साथ नहीं रह सकते। दूसरी बात है कि ख्वातीन अफगानिस्तान में गुज़िश्ता 20 सालों में आप इख्तलाफी रखें सिस्टम से, माजी के लोगों से, लेकिन ख्वातीन का एक बहुत बड़ा मौसर रोल सामने आया है मीडिया में, वहाँ पर बहुत ख्वातीन है, बहुत ज़्यादा ख्वातीन है, एंकर्स है, वो भी थोड़े से दबाव में है, काफ़ी ने काम छोड़ दिया है, काफ़ी चले गए। कल मुझे एक फ़ोन आया था, वहाँ पर एक ख्वातीन का स्पेशल टीवी है, जन टीवी। अच्छा, उसकी कारकुन है, उसके वो कंधार से वो बाग बाग करके काबल आई है और मुझसे भी, मेरे पति नंबर कहाँ से लिया होगा, तो उसको वीज़ा चाहिए था, आज सफारत खाना ने उसको वीज़ा दे दिया। पाकिस्तानी सफारत खाना आज कल बहुत ज़्यादा अफगानों के साथ जिनको अगर खौफ है या डर है या वो अपने आप को थ्रेट समझते हैं माहौल को, तो पाकिस्तान ये कर सकता है और पाकिस्तान ने किया भी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है ये सब चीज़ें एक तरफ, लेकिन अफगान तालिबान को वो चीज़ें भी करनी होंगी जिसका मुतालबा उनसे किया जा रहा है और ज़ाहिरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ़िलहाल तो लगता है कि नहीं होंगी। पीजे मीर साहब, अफगानिस्तान माशी तौर पर एक कमज़ोर मुल्क है, 20 साल जंग के बाद उसको मदद की ज़रूरत है तामीर नौ के लिए, रोज़गार के लिए, लोगों की खुराक के लिए। जब ऐसी सूरत हाल में अफगानिस्तान वो तमाम तर शराइत या वो तमाम तर मुतालबात पूरे नहीं करेगा जो आर्मी बरदरी मुतालबा कर रही है, तो फिर क्या होगा, क्या मंजर कशी करेंगे आप? मोस्ट ऑफ द एरियाज को कवर किया और ये फैक्चुअल बात उन्होंने की है। एक, अभी आपने कहा कि माशी तौर पे ये अफगानिस्तान वीक है, नहीं माशी तौर पे वीक नहीं है, ये जहनी तौर पे वीक है, क्योंकि अभी जो ताहिर बात कर रहे थे वो भाई, अगर जब तक तुम एक कॉमन सेंस नहीं लेके आओगे, तुम्हें तुम्हारा क्या ख्याल है दुनिया तुम्हें एक्सेप्ट करेगी? तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जो कौमें अपनी औरतों को जंजीरों में और ज़बरदस्ती बंद करती हैं, वो कौमें कभी भी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करती, हिस्ट्री इसकी गवाह है। एक दूसरी चीज़ ये है कि तोरा बोरा तो कर दिया ना अमरीकनों ने, नेटो फोर्सेस ने, अब तोरा बोरा इससे बड़ा होगा, और वो तोरा बोरा क्या है? इकोनॉमिक तोरा बोरा। वो इकोनॉमिक तोरा बोरा जहाँ आपकी मेडिसिन नहीं होंगी, आपकी हेल्थ नीचे चली जाएगी, और ये जो आपका अफगान सोल्जर जो कि सबसे अमीर सोल्जर था, ये दुनिया की हिस्ट्री के अंदर सबसे अमीर सोल्जर था, एक सोल्जर जिसकी अमेरिकन ने जो तनख्वाह लगाई हुई थी, अब जब तनख्वाह बांधोगी वो इनके साथ ज्वाइन कर गया। अब लॉयल्टीज आप देखो कहाँ है, ये वॉरिंग नेशन है, ये 1526 से पहले आप ले लो, बाबर के आने से पहले जब तेमरलेन था उस वक्त भी है वॉरिंग नेशन थी, आज भी वॉरिंग नेशन है, लेकिन इसमें अच्छे लोग भी हैं, ये भी हमें बिल्कुल वो आंखें बंद नहीं करनी चाहिए, बड़े अच्छे लोग हैं, मॉडरेट लोग हैं। और खुदा की कसम, पहले तो मैं तो आपका काबुल कई दफ़ा गया हूँ, इतनी मॉडर्न सोसाइटी मैंने नहीं देखी थी, जो कि आज तो हम देख रहे हैं कि स्टोन एज में हम चले गए हैं। सो सवाल एक ही उठता है, आप ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करो, ख्वातीन के राइट्स, तो स्कूल्स में आपको एजुकेशन शुरू करो ताकि आपके अंदर जो जेनेटिक जो एनिमोसिटी है ये ख़त्म हो, क्योंकि वहाँ बड़ी बड़ी गहरी आप कह लो कि वो रंजिशें भरी हुई हैं, हमने इनको तोड़ना है ग्रास रूट लेवल से, ऊपर से नहीं। और सबसे बड़ी बात, तालिबान आ गए ना, इनका क्या काम है आप गन्स लेके फिरे रोडों के ऊपर, क्या काम है, किससे डर है इनका? लोगों के आगे दहशतगर्दी ये दिखा रहे हैं, और भाई गन्स को अंदर रखो, एक आम सोसाइटी प्रेजेंट करो, तुम वो भी नहीं कर रहे, हर बंदा एक कलेशनिकोव और यू नो शॉर्ट
अब कह लो कि इस तरह की आमज लेके फिर रहे, दिस इज़ अ बैड एग्जांपल जो तालिबान दे रहा है। और ये तालिबान तो उसको कहना नहीं चाहिए, तालिबान तो वो तालिब इल्म होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखों का मुजाहरा नहीं कर रहे। और पर्टिकुलरली जो इन्होंने पहले वादे किए थे उन वादों के पीछे ये बैक ट्रैक कर रहे हैं, और ये इनको बहुत जो वादों के मैं आपको बता रहा हूँ नोट कर ले। और जी जी कंप्लीट कीजिए। और सुमैया, अमेरिकन सेनेटर्स ने कह दिया है कि अगर ये ठीक नहीं होंगे हम विद इन टू इयर्स वी कैन कम बैक, ये भी सुन लो।